मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 11 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। मतगणना को लेकर प्रदेश भर में हो रही है व्यापक तैयारी। देवास में डाक मतपत्रों की गणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। विंध्यांचल के सीधी जिले में काउंटिंग की सभी तैयारियां हुई पूरी। जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए संजय गांधी महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है मतगणना। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर खंडवा में जिला सैनिक कार्यालय के मुख्यालय पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर सैनिक कोष में दिया दान। खंडवा कलेक्टर भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भोपाल जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहीद कैप्टन देवाशीष शर्मा की मां निर्मला शर्मा की बनाई सेरेमिक हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और बिक्री का किया गया आयोजन। सरल सुगम और सहज न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। भोपाल में नगर निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत लगाकर संपत्ति कर और जलदर का बकाया जमा करने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कोटा रूठियाई रेलखंड पर 12 सालपुरा स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण से गाड़ियों का आवागमन प्रभावित। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन, कुछ गाड़ियां की गई रद्द। विधानसभा चुनावों में 5 जिलों में ईवीएम मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले पर हाईकोर्ट ने याचिका का किया निराकरण। कहा ईवीएम सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने किए पर्याप्त इंतजाम। ईवीएम कड़ी सुरक्षा में और किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं। स्कूली बच्चों को ऑटो और वैन में निर्धारित संख्या से ज्यादा बैठाने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिए दिया नोटिस। अधिकारियों से 4 सप्ताह में मांगा है जवाब। होशंगाबाद बुधनी के बीच नर्मदा ब्रिज की मरम्मत का काम आगामी 12 दिसंबर से होगा प्रारंभ। 2 माह तक चलेगा काम। निर्माण कार्य के कारण अगले 2 माह तक ब्रिज से नहीं निकल सकेंगे भारी वाहन। ट्रक और डंपर को पिपरिया बरेली होते हुए आना होगा भोपाल। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने राज्य स्तरीय वन खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। विजेता खिलाड़ी 9 जनवरी से छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में होंगे शामिल। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण में कल तेलंगाना और राजस्थान में मतदान कार्य संपन्न। करीब 74% मतदाताओं ने मताधिकार का किया उपयोग। तेलंगाना में भी लोगों ने उत्साह से किया मतदान। प्रदूषण से प्रदेश में आम लोगों की औसत आयु में आई कमी। अंग्रेजी पत्रिका लेसेंट के मुताबिक जहरीली हवा में सांस लेने के कारण हर रोज 3116 मरीजों को जाना पड़ रहा है अस्पताल। छतरपुर जिले के खजुराहो में आज 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जानकारों के मुताबिक ठंड की अपेक्षित तीव्रता के लिए करना होगा इंतजार। हिमालयन क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड के बढ़ने का है अनुमान। भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप में ग्रुप सी में भारत और कनाडा के बीच होगा मुकाबला। अगले राउंड में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को कनाडा को हराना जरूरी। और एडिलेड में चल रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को मिली 15 रन की बढ़त। दूसरी पारी में विजय और केएल राहुल ने की शानदार ओपनिंग।